हेलो, आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। मैन बूब्स या गायनेकोमेस्टिया एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। मोर देन 15 to 20% मेल्स को होती है और ये बहुत आराम से एक सर्जरी द्वारा ठीक कर दी जाती है। लेकिन बहुत से लोग मेरे से मिलते हैं और उनका सिर्फ ये कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब, इस सर्जरी का कॉस्ट क्या है। मेरा ये मानना है कि कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसी भी सर्जरी का, किसी भी प्रोसीजर का। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिससे कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी चेंज हो जाता है, या आप कंफ्यूज हो जाते हैं किस जगह वो सर्जरी कराएं, क्या कॉस्ट में सर्जरी कराएं, वगैरह वगैरह। अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है और आप उसकी सर्जरी कंटेम्पलेट कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें हम बात करेंगे कॉस्ट क्या होती है सर्जरी की और किन कारण से कॉस्ट में फर्क आता है। हेलो, आई एम डॉक्टर अजय गुप्ता, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन वर्किंग इन दिल्ली। मेरा एक्सपीरियंस है मोर देन 2000 गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज का। हम हफ्ते में 4 से 5 गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज करते हैं और आज मैं आपसे सारी बात करूंगा किन कारणों से गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का कॉस्ट इंपैक्ट होता है। व्हाट आर द कॉजेस विच इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। फर्स्ट, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण मानता हूं इंपैक्ट करने का कॉस्ट पे, वो कारण है कि आपका सर्जन कौन है। क्या आपकी सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जन कर रहा है, या जनरल सर्जन कर रहे हैं, या कोई और विशेषज्ञ कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एस्थेटिक रिजल्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक प्लास्टिक सर्जन बेस्ट इंसान होता है, बेस्ट डॉक्टर होता है वो सर्जरी करने के लिए। प्लास्टिक सर्जन में भी दो तरह के सर्जन होते हैं, एक होते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं और एक होता है जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या ट्रॉमा सर्जरीज करते हैं। सो जो कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं वैसे वाले प्लास्टिक सर्जन ही सबसे सही डॉक्टर होते हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करने। चूज योर सर्जन वेरी वेरी केयरफुली, अपने सर्जन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेक श्योर कि आप उनकी डिग्री चेक करें, क्या वो MCH या DNB प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है, क्या उनके पास कॉस्मेटिक सर्जरी की बाकी ट्रेनिंग या बाकी कॉस्मेटिक सर्जरीज वो करते हैं, तभी उसमें वो आई होती है, उनका तरीका होता है, उनको एक कंपैशन होता है एक कॉस्मेटिक रिजल्ट देने का, और पेशेंट को डिजायर्ड एस्थेटिक रिजल्ट मिलने का संभावना बढ़ जाती है अगर वो एक अच्छे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन से कराएं अपनी सर्जरी। ये था फर्स्ट। सेकेंड होता है टेक्निक ऑफ सर्जरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कॉस्ट वेरी करने का सेंटर टू सेंटर या सर्जन टू सर्जन। हम जिस तरह से सर्जरी करते हैं, हमारी जो टेक्निक है, हमारी डिस्क्राइब टेक्निक है, हम बाकी प्लास्टिक सर्जन को सिखाते भी हैं, वो टेक्निक में हम कोई भी कट, इंसिजन छाती के सामने नहीं। मेरा ये मानना है कि जिसको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी है ना, तो वो टाइट टी शर्ट पहनता, वो थोड़ा सा झुक कर अपने शोल्डर्स रखते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट ना हो उनके मैन बूब्स। इसके साथ साथ वो स्विमिंग अवॉइड करते हैं और बीच हॉलीडे अवॉइड करते हैं। ना आप समझिए कि अगर आपका गायनेकोमेस्टिया सर्जरी हो गया और छाती के सामने कटा, क्या वो आप स्विमिंग पे जाएंगे या बीच हॉलीडे पे जाएंगे? नहीं, हमारा मकसद होता है कि सामने कटना है। इसके लिए हमें एक टेक्निक है जिसके लिए हम डिवाइसेज यूज करते हैं, माइक्रोएयर और बेजर। उसमें हम छाती के साइड में कट देते हैं, बगल में। उस कट से, 5 मिलीमीटर के कट से सारी सर्जरी होती है। सारा फैट और ग्लैंड, ब्रेस्ट टिश्यू, सब कुछ उसी छोटे से कट से निकाला जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज टेक्निक है, कम लोग करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये टेक्निक करते हैं ऑब्वियसली उसके लिए कॉस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा, बिकॉज वो टेक्निक बहुत स्पेशल है, उसके रिजल्ट्स बहुत अलग हैं और आपके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, सामने कोई कट नहीं आता। सो वो ऑब्वियसली एक फायदा है, एंड हेंस द कॉस्ट विल चेंज अगर आप किसी सर्जन से कराते हैं तो ये टेक्निक यूज करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है कि टूल्स क्या यूज किए जाते हैं सर्जरी में। जैसे मैंने बताया, वी यूज टूल्स लाइक माइक्रोवेयर और वेजर। माइक्रोवेयर का मकसद होता है कि वो ग्लैंड और फैट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है ताकि हम वो ग्लैंड और फैट दोनों छोटे से कट से, 5 मिलीमीटर के कट से, साइड से, बगल में से निकाल लें, छाती में कोई कट ना दें। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है वेजर। और वेजर का एडवांटेज क्या होता है?
वो आपकी स्किन को भी टाइट करता है। अब आप समझिए कि जिसको गायनेकोमेस्टिया है, हमने अंदर से ब्रेस्ट टिश्यू या फैट निकाल दिया, जो स्किन बढ़ गई है, स्किन एक्स्ट्रा हो गई है, उसका क्या, क्या वो स्किन लटक तो नहीं जाएगी? तो इसमें वेजर बहुत काम आता है, बिकॉज वेजर स्किन को हीट करता है अंदर से और स्किन को टाइट कर लेता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझ सकते हैं कि इन सब टूल्स के कॉस्ट एडिशन होती है। सो अगर आपके सर्जन ये टूल्स यूज करते हैं तो ये अनिवार्य है कि उनका कॉस्ट थोड़ा सा बाकियों से फर्क होगा या ज्यादा। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉस्ट का इंपैक्ट फैक्टर होता है कि सर्जरी कहाँ कर रहे हैं, क्या वो क्लिनिक में कर रहे हैं या वो हॉस्पिटल सेटअप में कर रहे हैं, या उनका जो ऑपरेशन थिएटर है वो पूरे तरह से इक्विप्ड है या नहीं है, क्या उसमें सारी फैसिलिटी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे टूल्स हैं, कि कोई भी इवेंचुअलिटी को, आप समझिए कि सर्जरी है तो उसमें कुछ भी तरह की इवेंचुअलिटी हो सकती है, तो क्या आपके ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे सारी इवेंचुअलिटी को मैनेज करने के लिए प्रोविजंस हैं, समाधान है? क्या आपकी सर्जरी के दौरान, चाहे वो लोकल एनेस्थीसिया में हो रही है चाहे बेहोश करके हो रही है, एनेस्थेटिस्ट साथ में होगा या नहीं होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन गाइडलाइंस कहती हैं कि ये सर्जरी बिना एनेस्थेटिस्ट के होनी ही नहीं चाहिए। सो आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विद एनेस्थेटिस्ट अगर आप ये सर्जरी कर रहे हैं, आपके सेफ्टी पैरामीटर्स पर सारा ध्यान रखा जा रहा है, तो उसका कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। बहुत से लोग हैं वो बहुत छोटे सेंटर्स में या क्लिनिक्स में कर देते हैं, सस्ते में कर देते हैं, बट वो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो मेरा आपसे ये अनिवार्य है, रिक्वेस्ट है कि अपने सर्जरी पे कॉम्प्रोमाइज ना करवाएं और एक अच्छे ही सेंटर में सर्जरी होनी चाहिए जो वेल इक्विप्ड हो और हर इवेंचुअलिटी को मैनेज करने का उसके पास प्रोविजन और क्षमता। फिफ्थ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए अपना सर्जरी डिसाइड करने से पहले, कि उस सेंटर के, उस सर्जन के रिजल्ट्स क्या। मैं अपने बहुत से पेशेंट जो बाहर से फ़ोन करते हैं, दिल्ली के, हिंदुस्तान के फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं और सिर्फ कॉस्ट पूछ के उनको बोलता हूँ कि आप सिर्फ कॉस्ट पर मत डिसाइड करें, आप पहले टेक्निक समझें, उस सर्जन के रिजल्ट्स देखें, वो रिजल्ट समझें कि क्या आपको ये रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अगर हो सकता है तो उनके किसी प्रीवियस पेशेंट से मिलें, बात करें, फ़ोन पे बात कर लें और आप समझें कि क्या ये सर्जन सही सर्जन है आपकी सर्जरी करने के लिए। मैं अगेन समराइज करना चाहूँगा, पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको डिसाइड करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का कॉस्ट। सर्जन कौन है, आपकी सर्जरी कर कौन रहा है, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या उसका एक्सपीरियंस है इन सर्जरीज में। सेकेंड, उसकी टेक्निक क्या है, क्या वो आपको छाती के सामने निशान दे रहे हैं या नहीं। थर्ड, वो टूल्स क्या यूज करते हैं। फोर्थ, उनका हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इक्विप्ड है या नहीं है, एनेस्थेटिस्ट सर्जरी के दौरान होते हैं या नहीं। और फिफ्थ, उस सर्जन के, उस हॉस्पिटल के रिजल्ट्स क्या है, आप उन पेशेंट, उनके पुराने पेशेंट से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं या नहीं। ऑल दीज इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी। सो हैव अ गुड डिसीजन, मेक अ गुड डिसीजन, डिसाइड ऑन योर सर्जन। मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स बताने की जो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं। अगर इस सर्जरी के रिगार्डिंग आपके कोई भी सवाल हैं, डाउट्स हैं, आप हमसे लिख सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।